टूट गया, रोड टूट गया, आना जाना बंद हो गया, कोई सरकार के व्यवस्था नहीं है, ना खाने का ना पीने का, ना अफसर लोग जा रहा, कोई नहीं जा रहा, कोई देखभाल नहीं जा रहा। आप ही लोग के चैनल से हम लोग देख रहे हैं कि कोई देखभाल नहीं कर रहा, कोई मंत्री चाहे कोई संतरी हो, नीतीश कुमार गए हवा हवाई से उड़ के चले आए। जाना चाहिए गाड़ी से, रोड जाना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ तक पानी है, तो नहीं गए। शर्म आना चाहिए सरकार को, सरकार चुप्पी लगा के बैठी हुई। सरकार कहती है कि तटबंधों को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, बड़ी कार्रवाई की गई है, फिर भी माटी या बालू से तटबंध रुकेगा, पिच बॉर्डर होगा तब रुकेगा। पिच बॉर्डर करवाया भारत सरकार से, पिच बॉर्डर जल नहीं होगा। जहाँ जहाँ हम लोग जब हम लोग के प्रशासन था, जब हम लोग के सरकार था, जाके देखिए राघोपुर में, सोनपुर पहले जा, इस सब थैला पिच बॉर्डर अभी तक है। उस तरह का पिच बॉर्डर होना चाहिए, ना कि लूट मार करके बोली बालू माटी भर के तो उधर दहबे कर। जब रोड पिच डह गया, कट गया, आना जाना बंद हो गया, तो बालू और माटी कितना देर रहेगा? लूट है और घोटाला का घोटाला हो रहा है। कभी दारू चूहा पी जाता, कभी दारू बांध काट देता, तो क्या करिएगा? सरकार कई बार ना इसमें पैसों की लूट हुई है, बिल्कुल लूट हुई है, बिल्कुल लूट है, एक पैसा भी खर्चा नहीं हुआ है। माटी या बालू भराया दह के चला गया, तो जांच के विषय है, कोई इंतजाम नहीं है गरीबों के, गरीब मर रहा है बाल बच्चा। आप इतना संख्या लोग मर गया है, दहा गया है बाढ़ में, तो उसके लिए भी सरकार को मुआवजा देना चाहिए, जाके रखना चाहिए। पिछले तीन दिनों से बाढ़ और बारिश को लेकर जो परेशानी सामने आई है, लगातार रिकॉर्ड की संख्या में तटबंध टूटे हैं, जबकि इन तटबंधों की देखरेख, सुरक्षा और निगरानी के लिए 300 से 400 करोड़ रुपए का सरकार ने प्रावधान कर रखा है। यह कांग्रेस जानना चाहती है कि आपने कौन से तटबंध का निरीक्षण किया, यह जल संसाधन मंत्री को बताना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में मधुबनी और दरभंगा में तटबंध टूटे हैं, सीतामढ़ी शिवहर में टूटा है, चंपारण में टूटा है, यह अपने आप में रिकॉर्ड है। दो दर्जन के करीब लोगों की जान माल चली गई है, लाखों लोग बेघर हो गए। आखिर यह कौन सी सरकार है अगर इस तरह से तटबंधों की सुरक्षा और देखरेख के साथ अनदेखी की गई है, तो मैं समझता हूँ यह मैन मेड डिजास्टर है। यह लोगों ने जानबूझकर उसकी अवहेलना की है, उधर ध्यान नहीं दिया समय रहते, जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में मामूली बारिश, और जबकि पूरा नेपाल ने उतना पानी भी अभी नहीं छोड़ा है, तब यह हाल है। और जब नेपाल पूरा पानी छोड़ेगा तो नॉर्थ बिहार की क्या स्थिति होगी? तो मैं समझता हूँ इस पर सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए, और जो लोग दोषी हैं, चाहे वो इंजीनियर हों, मंत्री हों, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने इस पर कार्य स्थगन दिया है, आज सदन के अंदर हम इस बात को उठाएंगे। ये तैयारी, बाढ़ की तैयारी काफी दिनों से बिहार सरकार कर रही थी, लगातार उनके तैयारी का ब्रीफिंग आता था, मीडिया को आता था, लेकिन तभी बाढ़ आ गया। और लोग माननीय मुख्यमंत्री जी हरेक इशू पर हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, चाहे वो सुखाड़ की स्थिति हो, चाहे बाढ़ की हो, चाहे चमकी बुखार की हो। और आप देख रहे हैं जो 25 लाख लोगों कम से कम दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी में प्रभावित हैं, और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में प्रभावित हैं। और आप देख रहे हैं जो आप अपना फोटो देखिए, एक करीब 50 आदमी ने अपना फोटो भेजा है वीडियो करके, वो लोग छत पर बैठे हुए हैं। अभी तो सबसे ज़रूरत है नाव की, जो कम से कम उनको हटा करके वहाँ से सुरक्षित स्थान पर रख सके, वो भी व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब तक बाढ़ नहीं आती है, मंत्री से लेकर अधिकारी तक दावा करते हैं कि इस बार पूरा तैयार है, लेकिन जब बाढ़ आ जाती है तो हम देखते हैं कि कोई तैयारी नहीं है, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, और सिर्फ आश्वासन के बदौलत यह सरकार चल रही है। हम लोग आज रखे हैं यहाँ पर कार्य स्थल पर, साहब उस पर हम लोग अपना वक्तव्य रखे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जल संसाधन मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जल संसाधन मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। लूट खसोट किया सरकार।
ने किया है, नहीं तो अब तक रुका नहीं रहता है। बंद करो, बंद करो, अरे आगे देखिए, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, के नाम पे फर्जीवाड़ा करवाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद के नाम पे खजाना बंद करो, कुमार शरम करो, शरम करो, शरम करो, घोटालेबाज की सरकार शरम करो, बंद करो, शरम करो, घोटालेबाज की सरकार शरम करो, अपने मंजाम नहीं बंद करो, उसी को आना ही था, आना था उसी को, आप लेके आए नहीं तो हम फंस गए, अपना काम करवा लेंगे। सलाम करो, हर दिन ऑफिस में क्या करें,